इंडिया गेट फाइनली क्रॉस कर लिया और चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, अच्छे से हो गए और ठीक हो गए। तो कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं लोड करने उतरा था तो शाम को हुआ नहीं, आधा माल हुआ था और आधा सुबह हो गया। तो अभी मैं सोनमर्ग पहुँचने वाला हूँ। टाइम हो चुका है लगभग 1-5 मिनट 10 मिनट कम ही, तो अभी मैं सोनमर्ग पहुंचने वाला हूँ। लेकिन गाड़ियाँ सोनमर्ग में जो है बहुत ज़्यादा है, तो अभी कार्रवाई होगी नहीं होगी मुझे नहीं लगता होगी, लेकिन फिर से पिछली बार की तरह कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तब जाके कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिलहाल हम सोनमर्ग पहुँचने वाले हैं। इस जगह को बोलते हैं हंग, वो गगनगेर से आगे आता है, यहीं से चल रहे हैं सोनमर्ग। जाके अब पता चलेगा। अभी तो मैंने बंदे को बात की, उसने बोला एक ग्राउंड पूरा भरा हुआ है जिसमें कांटा करते हैं, तो अभी फिर से कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा उधर से सोनमर्ग से जल्दी, वरना तो मुश्किल है आज भी। तो चलो देखते हैं क्या होगा, चलते हैं आगे। सोनमर्ग तो पहुंच गए, लेकिन जो पिछली बार हालत थी ना, आज उससे बदतर है। आप देख लो पूरा ग्राउंड उधर से भरा हुआ है, इधर से भी गाड़ियां हैं, लेकिन क्या पता हो सकता है छोड़े, इधर से छोड़ेंगे लेकिन थोड़ा टाइम के बाद, नहीं छोड़ा तब भी कुछ ना कुछ करेंगे। चलो फिलहाल मैं उतर के देखता हूँ क्या हालत है आगे। फाइनली भाई आखिरकार हमारा कांटा जुगाड़ करके हो गया। अब भाई साहब ए आ गया बासिर भाई, इधर जुगाड़ करना पड़ता है, टायर लोड है इनको, क्या इसमें क्या लोड है। तो थोड़ा उधर इधर जुगाड़ किया, बोला कि भाई हमारा तो सब्जी लोड है, अब करो कुछ। अभी तक सब्जी गाड़ियों को एक भी को नहीं इधर से नहीं छोड़ा था, अब जाके मैंने कुछ उधर इधर किया तो सबको छोड़ दिया सब्जी गाड़ियों को अंदर, तो मैं भी साथ में चला गया। चलो अभी निकलते हैं आगे। किरदार चलो अभी आगे जाके कहीं पर पहले खाना खाएंगे फिर निकलेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ जो है ना अभी 2 बजे इनको बंद करनी है। तो नहीं बस 10-15 मिनट और, अभी कितना टाइम रह गया 2 बजने को, अभी 15 मिनट रह गए, उसी टाइम तक कांटा होगा, फिर कांटे वाले खाना खाने चले जाएंगे, तो उसके बाद कांटा होगा लेकिन गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे। तो चलो अभी अपना जुगाड़ तो हो गया, बाकी चलेगा हमको क्या, अभी हम तो निकल गए ना यहाँ से, चलो चलेंगे आगे। अभी मिलेंगे आप लोगों से आगे कहीं पर, फिलहाल यहाँ पर गया रहे उससे बात थोड़ा करूँगा भाई। गाड़ियाँ लेट तक थोड़ी छोड़ो, क्यों इतनी जल्दी बंद करते हो गाड़ी को। तो अभी हम लोगों ने जो है ट्रैफिक का नाका भी क्रॉस कर लिया, वहाँ पे नीचे उतर के नाका का पर्ची दिखाना पड़ता है और इस पर दस्तखत कराना पड़ता है, लेकिन मैं आया उधर से और हाथ से ऊपर से ही दिखाया उसको, हाँ मेरे पास है भाई कांटा पर्ची है, निकल जाओ कोई चक्कर नहीं। बाकी देखते तो ये है कांटा पर्ची तो देखते हैं, ये यहाँ पे कोई गाड़ी ऐसी मत आई है वो, ये इसलिए देखनी पड़ती है इनको कांटा पर्ची। तो चलो चलेंगे अभी, फिलहाल आ गए, खाना भी खाना है, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। चलो हमको किधर जाना है, हमको तो कारगिल ही जाना है, अभी चलेंगे कारगिल तक आराम से। ऊपर से पीछे से गाड़ी आप बंद कर दी इन्होंने, चलो शुक्र है लास्ट गाड़ी से ही मैं गया, पर इतना तो मुझे अपने ऊपर यकीन था और ऊपर वाले भी पहले यकीन था कि भाई मैं इधर कांटा पास होना चाहिए, अगर गाड़ियाँ बंद भी होगी ना मैं तो निकल जाऊँगा इधर से कुछ भी करके। तो चलो शुक्र है ऊपर वाले का, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और निकल गए यहाँ से। करंट लोकेशन है हमारी जोजिला, तो चढ़ रहे हैं जोजिला, लेकिन आगे जाम नहीं है आज, चलो शुक्र है हल्का फुल्का वो एक एक करके उधर जो कनपत्री है उधर पर गाड़ियाँ चढ़ रही है, कि वहाँ पे कोहरा होता ही है इसलिए। चलो पता नहीं ये ट्राले लोग किधर जाते हैं, देखो ये भी 10 टेरी है, स्टार्ट है जाम।
आप लोग देख सकते हो जाम कितना है, बस वही पे जो जिसको कनपड़ी कहते हैं, सोजिला इंडिया गेट के नज़दीक, वहीं पे एक एक करके गाड़ियां जो निकलती है, इसलिए गाड़ियों का जाम लगा हुआ है इधर तक। बाप रे, वहाँ आगे को लगभग निकल गई। चलो शुक्र है निकल रही है गाड़ियाँ। तो अभी भी जाम में गाड़ियां चल रही है, लेकिन सही सीधे चल रही है आराम से। वहाँ आगे से जाम है और ऊपर बादल भी मंडरा रहे हैं, पता नहीं आज रात को क्या होगा, बर्फ गिरेगी या छोड़ेगा आज। एक पड़ी तो क्रॉस कर ली, कोहरा कितना था पूछो मत। अभी यहाँ पे ये वाली पड़ी है और एक, देखते हैं यहाँ पे कितना कोहरा होगा। बस शीश कितने का क्रॉस कर लिया और चल रहे हैं अभी भी आराम से। गाड़ियाँ तो सीधी चल रही है अभी, मतलब कोहरा है लेकिन कम, लेकिन यहाँ से ज़्यादा स्लिप गाड़ी नहीं करती है। बस खतरा होता है इंडिया गेट पे, वहाँ इंडिया गेट के आसपास वहीं पे गाड़ियाँ स्लिप करती है, यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं इसको कहाँ आना था, चलना आगे। यहाँ से आगे है लद्दाख, तो भाई लद्दाख वाले तो इस साइड वाला पुलिस को सोजला में पहुँच जाता है गाड़ियाँ निकालने के लिए। तो उधर वाला ट्रैफिक वाले भी थे और यहाँ के ये पुलिस भी। असल में यहाँ से है लद्दाख शुरू, ये सामने जो वो बना हुआ है वो वहाँ से। चलो चलेंगे फिलहाल आराम से,
अब यहाँ से खाली तो आज रात ही को होगा, उसको फोन करके रखा है। फिलहाल व्यू देखो यहाँ का ज़बरदस्त, जो है कोहरा बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत उधर पीछे था, अभी पहुँच गए हम शेता नाला। अब शेता नाला से चल रहे हैं आगे, तो इससे आगे ठीक ही है पूरा रोड, यहीं तक होता है जो भी होता है कोहरा वगैरह सब कुछ। भाई बादल कितने चढ़ गए आप खुद देख सकते हो, मुझे लगता है हम अब फिर से फंस गए। अभी तक तो मैंने खुद को बचाया था, घर में बैठा था जब भी बर्फ़ का टाइम था, लेकिन आज नहीं लगता, आज लगता है गिरेगी। अब क्या होगा मेरा, बर्फ गिर गयो रे, चलो अभी क्या कर सकते हैं, गिरेगी तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं कारगिल, अभी तो ऊपर वाला माल तो खाली कर दिया, अभी टाइल खाली करने हैं, तो ये कल सुबह हो जाएगा। तो देखते हैं कितने बजे होगा और कानवाई वापस होगी या नहीं। करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड, मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।